इन्फॉर्मेशन हमारे लिए स्टार्टिंग से ही बहुत इम्पोर्टेंट रही है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म यूजेबल बनाने के लिए हम उसे या तो लिखकर डायरीज में स्टोर करते थे, या किसी नोटबुक में स्टोर करते थे, या किसी फाइल में स्टोर करते थे। पर चूंकि अब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं और यहाँ पर कहते हैं 21st सेंचुरी इज़ द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसीलिए नोटबुक की जगह, फाइल्स की जगह, डायरीज की जगह आज PC, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स ने ले लिया है। इसका मतलब ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके या तो अपने PC में स्टोर करते हैं, या तो लैपटॉप में स्टोर करते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन पर स्टोर करते हैं। बट क्या हो अगर आपकी PC में स्टोर डेटा और किसी कारणवश आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाने पर क्या होगा, आपका वो डेटा भी चला जाएगा और आपको दोबारा रिकवरी में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सेम टू सेम लैपटॉप के साथ हो सकता है। और क्या हो अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाए, तो मोबाइल फ़ोन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऑलरेडी स्टोर डेटा है वो भी चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उसका बैकअप लेना पड़ेगा। और बैकअप लेने के क्या मेथड्स रहेंगे, कई बार करते क्या हैं, हम उसका बैकअप लेते हैं, उसका बैकअप उसी फ़ोन में ही कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं। ऐसे ही हम लैपटॉप का बैकअप लेते हैं और बैकअप भी कहीं ना कहीं वही लैपटॉप में ही स्टोर कर देते हैं या PC में ही स्टोर कर देते हैं। उससे बेनिफिट क्या है, कल को अगर आपका फ़ोन खो जाएगा तो आपने बैकअप भी लिया है तो वो भी चला जाएगा। PC में है अगर हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो पूरी हार्ड डिस्क क्रैश होगी, और आपका अगर बैकअप ऑलरेडी है उसी PC में कहीं स्टोर तो वो भी आपको रिकवर नहीं हो पाएगा। फिर नंबर 2 पे आता है हम इंटरनेट पे उसका बैकअप लें। तो इंटरनेट पे उसका हम अगर बैकअप लेते हैं तो बैकअप लेते समय क्या होता है, कई बार अगर हम इंटरनेट का बैकअप ले रहे हैं इंटरनेट पे उसका, तो हम सारी फाइल्स पे टिक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ढेर सारा इंटरनेट लॉस होता है, हमारा डेटा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि कई बार अनयूज्ड कंटेंट भी हमारा बैकअप में चला जाता है और वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है, इससे क्या होता है हमारा नुकसान होता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल से ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्या डेटा है, कैसे आप उसको, जो आपका वाकई में इंपॉर्टेंट डेटा है, उसका बैकअप आप इंटरनेट में कैसे लोगे, कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करोगे, कौन सी यूटिलिटी का यूज़ करोगे जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो हाय, दिस इज़ आमिर, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन का, अपने PC का, अपने लैपटॉप का बैकअप इंटरनेट पे ले सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े, फ्यूचर में हम उसको डाउनलोड करके दोबारा से यूज़ कर सकें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट। तो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए अगर आप अपने क्रोम को ओपन करें, और क्रोम ओपन करने के बाद आप सिंपली उस पर टाइप करें बेस्ट फ्री क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशंस, तो आप उसको जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने के बाद ढेरों आपको यूटिलिटीज़ वहां पर मिल जाएंगी जो ये क्लेम करेंगी कि आपका वो डेटा ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी आपको देती हैं। जिसमें से अगर हम मेन एप्लीकेशंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है गूगल ड्राइव, सिंक, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, बॉक्स, cozy.io, iCloud ड्राइव। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टूल्स है, आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बट उससे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें डेटा कितना स्टोर करना है। हमें जितना डेटा स्टोर करना है, अगर हमें ये पहले पता होगा, उससे क्या होगा कि हम इनमें से बेटर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो अब मेन चीज़ क्या हो गई, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो, आप पहली बार अपने डेटा का बैकअप ले रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इनमें से कोई टूल ना इंस्टॉल करें। और जहाँ पर दिया हुआ है गूगल ड्राइव, ये ऑलरेडी एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है गूगल का, जो कि आपको आपके सिस्टम एप्लीकेशन के तौर पे ही मिलता है, जो कि पहले से इंस्टॉल है। अब मेन चीज़ इसमें समझिए, अगर आपका इंस्टॉल है गूगल ड्राइव और आपने उसे अपडेट नहीं किया है, तो हो सकता है अभी आपके काम में ना है। उसे अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करिए, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए गूगल ड्राइव। जैसे आप गूगल ड्राइव टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख जाए ड्राइव का, और इसको आप अपडेट कर लीजिए। इस अपडेट करने से क्या होगा, ये गूगल ड्राइव आपकी सही से काम करना शुरू कर दे। स्पेशली जीमेल अकाउंट से बिना क्रिएट किए हुए आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लिए, तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, मेरे पास मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पर जो 11 नंबर पर आपको दिख रहा है नीचे टेक ए, यानी टेक ए gtm@gmail.com, फ़िलहाल मैं इस अकाउंट को यूज़ करने वाला हूँ और इसी अकाउंट पे मैं डेटा को स्टोर करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब तक हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो गया होगा। तो हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो गया है, सिंपली अब मैं इसे कर लेता हूँ ओपन।
ओपन करने के बाद यहाँ पर साइड में से हम क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे techa@gmail.com। अपने सही मेल अकाउंट्स पे हूँ मैं, तो उससे मैं क्या करूँगा, अभी इंटर बना रहूँगा। साइड में 3 लाइन्स दिख रही है, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे बॉटम पे जाके देखेंगे स्टोरेज 0 KB या 15 GB डेटा यूज्ड है। टोटल मिला के मुझे इसमें स्टोरेज मिला है 15 GB का, जिसका मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। तो ये तो सिंपल सा, एक और चीज़ ये समझ लीजिए, हर जीमेल अकाउंट पे आपको 15 GB स्टोरेज स्पेस मिलता है। अगर आपके पास 15 GB स्पेस से ज़्यादा डेटा है जिसे आप स्टोर करना चाहते हो, तो आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 ईमेल अकाउंट्स बनाकर आप 15 GB का डेटा और भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। तो सिंपली ये एप्लीकेशन एक ही रहेगा, बस मल्टीपल अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल अपने गूगल ड्राइव पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें डेटा करना है अपलोड। तो अपलोड करने के लिए एक सही तरीका क्या है, अपलोड तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट सही तरीका क्या है, आप बाकायदे आप फोल्डर बनाइए, डेटा को अपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। फोल्डर्स बनाने के लिए करना क्या, आपको प्लस बटन पर हिट करना है। इसके बाद साइड में आपको दिख रहा है फोल्डर बटन, आप इस पर हिट करिए और यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दीजिए माय फोटोज। इससे बेनिफिट ये होगा कि कल को आप कोई डेटा अपलोड करेंगे तो आपको खोजने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने 4 फोल्डर बना लिए। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप मल्टीपल यहाँ पर फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, हमें इन फोल्डर्स पर वो डेटा अपलोड करना है। तो सबसे पहले उसके लिए करेंगे क्या, हम यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं क्लोज़। अब मैं चला जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर के जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट चूज़ करता हूँ जिसे मुझे अपलोड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कई सारे मल्टीपल फोल्डर्स बनाए हुए हैं, कुछ फ़ोटोज़ नीचे पड़ी हुई है। फ़िलहाल मैं एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे पास मल्टीपल PPT फाइल्स पड़ी हुई है। अब मुझे इन फाइल्स का बैकअप लेना है, इन्हें मुझे स्टोर करना है ऑनलाइन बेसिस पे। तो बस सिंपली जिस डेटा को आपको स्टोर करना है उस पर हिट करिए, और हिट करने के बाद आप सेंड पे हिट कर दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को इमेजेस भेजते हो, जैसे आप मेल करते हो, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। यहाँ पे सेव टू ड्राइव पे हिट करिए। जैसे ही आप सेव टू ड्राइव पे हिट करेंगे, आपसे नीचे से पूछेगा अकाउंट सेलेक्ट करिए। तो देखिए, अगर आप एक चलाते होगे तो आपके पास एक ही शो करेगा, चूँकि मैं मल्टीपल चलाता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट पे मुझे हिट करके टेक ए वाले जीमेल अकाउंट पे, मैंने अभी आपको स्टोर करना बताया, तो वहाँ से मैंने हिट किया। अब जब मैंने उसको हिट कर लिया तो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड फोल्डर के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ से माय ड्राइव पे हिट करके मुझे इसमें से एक माय ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पे हिट करके मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया सेव। इससे क्या होगा कि मेरा फाइल अब वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। सेम प्रोसेस अगर कोई फोटो अपलोड करना चाहते हैं, फोटो स्टोर करना चाहते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, तो आप उस फोटो पे हिट कर दीजिए, सेंड पे जाइए, फिर से जाइए, वही सेम प्रोसेस आपको करना क्या है, यहाँ से हिट करना है सेव टू ड्राइव पे। तो जैसे ही आप सेव टू ड्राइव पे हिट करेंगे, आपको यहाँ से जाके फिर से अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी अकाउंट मेरा techa@gmail.com सिलेक्टेड है, बट नीचे से फोल्डर माई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की जगह पर मुझे माई फोटोज पे जाना है। तो यहाँ से फिर से आप बाहर जाइए और माई फोटोज पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे, आपकी ये दोनों के दोनों फाइलें आपकी गूगल ड्राइव पे जाके स्टोर हो गई है। आपको देखना है यहाँ से इसको स्किप करिए और जाके अपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे, हमने 4 फोल्डर्स बनाए थे जिसमें मैंने एक अभी माई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पे एक फाइल अपलोड करी है और माई फोटोज़ पे एक फाइल अपलोड की है। तो अभी इसको हिट करमेंट पे एक फाइल अपलोड हो गई है। वही सेम टू सेम प्रोसेस है, माय फोटोज़ पे जाके हिट करेंगे तो आपको एक फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब सिंपली मान लीजिए भविष्य में कभी हमारे मोबाइल से कोई डेटा डिलीट हो जाता है, ये फ़ोटो डिलीट हो जाती है, तो दोबारा हम इसे कैसे लाएंगे, सेम टू सेम अपने ईमेल अकाउंट से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद 3 डॉट्स पे हिट करेंगे। हिट करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड बटन पर हिट करेंगे, आपकी इमेज डाउनलोड होकर डाउनलोड फोल्डर पर शो करने लगेगी। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं डेटा ऑनलाइन स्टोरेज के लिए, जो कि बेस्ट है। इसके लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए और ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत यूज़ भी की जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।